आज मुंबई के आजाद मैदान में जैन समाज का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल की जगह पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग कर रही है। मुंबई के मेट्रो जंक्शन से आजाद मैदान तक जैन समाज बड़ा मोर्चा भी निकालेगा। इस मोर्चे में करीब 1,00,000 लोग शामिल हो सकते हैं। आजाद मैदान में जैन समाज के कई धर्मगुरु भी शामिल होंगे। श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद जैन समाज गुस्से में है, क्योंकि सम्मेद शिखर जी जैन धर्म का बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसे झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। जैन समाज का मानना है कि ऐसा करने से तीर्थ स्थल की शांति भंग होगी। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने से तीर्थ स्थल में प्रदूषण बढ़ने का दावा भी किया गया है। जैन समुदाय के तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाने के विरोध में जयपुर में आमरण अनशन पर बैठे जैन मुनि सुगिये सागर जी नहीं रहे, जो 25 दिसंबर से बगैर कुछ खाए पिए झारखंड सरकार के श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। बताया गया कि 9 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जैन मुनि सुगिये सागर जी की समाधि जयपुर में ही बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 30 दिसंबर को शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन पर 24 घंटे में 2 बार पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें ट्रेन के कोच का शीशा चटक गया। बताया गया कि पथराव में कोच नंबर C3 और C6 की खिड़कियों के शीशे टूट गए। वंदे भारत ट्रेन पर यह दूसरा हमला दार्जिलिंग जिले में फंसीदेवा के पास हुआ। जांच करने पर पता चला कि ट्रेन जब न्यू जलपाईगुड़ी के यार्ड में जा रही थी, तभी ट्रेन के शीशों पर पत्थर के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। पथराव की इस घटना के बाद रेलवे पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इससे पहले 2 जनवरी को भी मालदा के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया था। इस पत्थरबाजी में कोच C13 के दरवाजे का शीशा टूट गया था। घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं वंदे भारत पर पथराव को लेकर बंगाल की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने घटना की NIA जांच की मांग की है और ममता सरकार पर उपद्रवियों को बचाने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं TMC ने इसे पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश बता दिया। बिहार में RJD विधायक सुधाकर सिंह के एक बयान से महागठबंधन में ही खींचतान शुरू हो गई, जिससे बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान दिया था और नीतीश कुमार की तुलना शिखंडी से कर दी। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। हम सबका नोटिस नहीं लेते, लेकिन हमला नीतीश पर हुआ तो JDU भड़क गई। पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखकर गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी। JDU की नाराजगी इस बात से है कि शिकायत के बाद भी RJD ने सुधाकर सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन महागठबंधन में मचे घमासान ने BJP को बैठे बिठाए हमले का मौका दे दिया और महाठगबंधन के अंदर अब लठबंधन होगा। सुधाकर सिंह RJD के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के करीबी जगदानंद सिंह के बेटे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।